सो दोस्तों, विंडोज़ के लेटेस्ट अपडेट के बाद चाहे आप हों या मैं हूँ, विंडोज़ को पायलट का यूज़ सभी लोग कर पा रहे हैं। लेकिन विंडोज़ अपडेट करने के बाद भी आप विंडोज़ को पायलट का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपका टेक गाइडर शिवम, और आज इस वीडियो में हम को पायलट को इनेबल करना सीखेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें विंडोज़ का वर्जन चेक कर लेना है, जिसके लिए आप स्टार्ट मेन्यू में सर्च कीजिए WINVER। यहाँ पे आपको विनवर लिख के एंटर करना है। यहाँ पे आपको दोस्तों विंडोज़ का वर्ज़न मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका विंडोज़ का वर्ज़न 22621 है या उससे हायर है, तो आप विंडोज़ को पायलट का यूज़ कर पाएंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपने विंडोज़ को अपडेट नहीं किया है, तो आप ये वाली वीडियो देखकर विंडो को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, विंडोज़ अपडेट कर लेने के बाद भी अगर आपको को पायलट नहीं मिला है, तो हमें कुछ सेटिंग्स को चेक करना पड़ेगा। आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए, और इसके बाद आपको टाइम एंड लैंग्वेजेस में जाना है, और यहाँ से आप रीजन में यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही साथ आप विंडोज़ अपडेट में जाइए, और दोस्तों आपको यहाँ पे विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो भी आप विंडोज़ कोपायलट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है, तो आपको उसके अंदर आकर चूज़ इनसाइडर सेटिंग्स में से डेव चैनल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो कैनरी चैनल है और बीटा चैनल है, इनके लिए कोपायलट अभी अवेलेबल नहीं है। कोपायलट सिर्फ डेव चैनल पर अभी अवेलेबल है। अब दोस्तों, अगर इतनी सेटिंग करने के बावजूद आपका कोपायलट इनेबल नहीं है, तो आपको एक और ट्रिक अपनानी है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और टास्क बार सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि ये जो कोपायलट प्रीव्यू है यहाँ पे, ये ऑन रहे। अगर ये यहाँ से ऑफ है, तो यहाँ पे आपको कोपायलट शो नहीं होगा। इन केस अगर आपको ये फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक थर्ड पार्टी टूल की हेल्प से इस फीचर को इनेबल करेंगे। अब दोस्तों, आपको ये वाइप टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे आकर इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। हम विंडोज़ के लिए ये ज़िप वाली फाइल को डाउनलोड करेंगे, और अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ARM वाली ज़िप फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम ये विंडोज़ की ज़िप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। इस फाइल को डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसका फोल्डर ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, हम इस ज़िप फाइल को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर को ओपन करके हम इस ज़िप फाइल में जितनी भी फाइल्स हैं, उन्हें सिलेक्ट करके इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे वाइप टूल के आगे जो खाली जगह है, वहाँ पे क्लिक करना है, और इस डायरेक्टरी को आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करना है टर्मिनल। अब याद रखिए, आपको टर्मिनल राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन करना है। अब दोस्तों, टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे CD लिखना है। ये कमांड डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए रहेगी। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। आप इसके बाद स्पेस दीजिए, इसके बाद आप डबल कोटेड लगाइए, और यहाँ पे उस डायरेक्टरी को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए आप माउस की राइट क्लिक का यूज़ कीजिए, और ये डायरेक्टरी पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद आप डबल कोटेशन को बंद कर दीजिए और एंटर कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ls कमांड की हेल्प से हम यहाँ पे ls लिख के एंटर करते हैं, तो इस फोल्डर के अंदर जो भी चार फाइल्स हैं, वो हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अब दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिंपली उस कोड को कॉपी करके राइट क्लिक की हेल्प से पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज़ कर सकते हैं। अब इस कमांड को लिखकर आपको सिर्फ एंटर करना है, और एंटर करने से ये फीचर सक्सेसफुली आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। अब सिंपली आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, और आप विंडोज़ को पायलट का यूज़ कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।